सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। सभी बच्चे घर में हैं, स्वस्थ हैं और हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बच्चों, मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको, क्या है ये? गुब्बारा, गुब्बारा। अरे, मैंने बोला तो ये इतना बड़ा शब्द बन रहा है, गुब्बारा। हम इसे लिखेंगे कैसे, इसमें कितने व्यंजन आए हैं? ओहो, हमने संयुक्त व्यंजन तो पढ़े ही नहीं। तो आइए मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी और संयुक्त व्यंजन के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है चार। कौन कौन से? सबसे पहले श, कौन सा व्यंजन? श। दूसरा त्र और ज्ञ, और आखिरी हमारे पास है श्र। तो हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या हुई चार, श, त्र, ज्ञ, श्र। यहां पर मैं आपको स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजनों के कुछ उदाहरण बताऊंगी। तो हमारे पास जो व्यंजन है वो स्वर यानी आ से मिले हुए, स्वर सहित और आ से बिना मिले हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले श के लिए। जब श का उच्चारण हम करते हैं बच्चों, तो श जब हम बोलेंगे तो इसमें कितने व्यंजन मिले हुए हैं? आप उच्चारण करके देखिए, श। तो श में कितने उच्चारण आए? श मिलकर बनता है क, जिसमें नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब व्यंजन आधा हो जाता है। श, श में भी हलंत लगा हुआ है जिसमें व्यंजन आधा हो जाता है। और आ, तो जब उच्चारण करेंगे आप श, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा श। तो श कितने व्यंजनों से मिलकर बना है? एक, दो, तीन। इसी तरह इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? कक्षा। और क्या कह सकते हैं हम? क्षत्रिय। अब हम देखेंगे त्र, त्र, त्र। जब आप उच्चारण करेंगे तो त्र में क्या आता है उच्चारण करने पर? त्र। तो त, र, अ। तो त, र और अ से मिलकर बनता है हमारा त्र। ये हुआ हमारा त्र व्यंजन। जब त्र व्यंजन के लिए हमारे पास उदाहरण है मित्र, ठीक है। अज्ञ, ज्ञ के लिए जब हमने देखा, आप उच्चारित कीजिए ज्ञ। तो ज्ञ में क्या आता है बच्चों? ज, इया और अ। हमने इन तीनों को जोड़ा तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? ज्ञ। यानी ज्ञ से हम और क्या दे सकते हैं? ज्ञानी या ज्ञान या विज्ञान, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हमारा आखिरी बचेगा हमारे पास क्या है बच्चों? वो श्र। श्र से, श्र को उच्चारित कीजिए श्र। तो श्र में क्या आ जाएगा? श, र, अ। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्र। ये हुआ हमारा चौथा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। श्र के उदाहरण में हम देख सकते हैं श्रम, श्रमिक, परिश्रम। तो ये हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। तो इन्हीं के आधार पर जब हम परिभाषा जानेंगे तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, तो इसके अनुसार संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होगी बच्चों? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा होगी दो व्यंजनों के मिलाप से या दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। दो व्यंजनों को जोड़ने पर एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूर्ण लिया जाता है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। अब हम संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है अरहित संयुक्त व्यंजन। अरहित मतलब यहाँ पर बच्चों जब भी हम इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे हमें अ का उच्चारण नहीं होगा। मैंने कहा क, क में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क क्या हो गया आपका? आधा। तो हम क पूरा नहीं बोलेंगे, हम क, आधा हलंत लगा हुआ। यहाँ पर भी क, आधा हलंत लगा हुआ। च, त,
जिस भी हम यहाँ पर हलंत लगे हुए वर्ण को या व्यंजन को लेते हैं वहां पर अ रही मतलब उसमें अ का उच्चारण नहीं होता। अब स्वर सहित व्यंजन लेंगे हम, स्वर सहित व्यंजन का, का में आ की मात्रा, ख ख ख ख जब बोला तो ख और अ दोनों का ही उच्चारण हो रहा है। चा ता, अब जब हम स्वर अरहित और स्वर सहित को जब मिलाप कराएंगे दोनों का मेल तो क्या हो जाएगा, क का, आधा क और का का, इससे संबंधित शब्द क्या बनेगा हमारा, पक्का। क ख क ख, इससे संबंधित शब्द क्या बनेगा, मक्खन। च च च, बच्चा या बच्ची है मेरे पास यहाँ पर, देखिए ये बच्ची, तो हम इसे इस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। अब है मेरे पास ता, पत्ता, पेड़ पौधों में पत्ते देखे हैं आपने बहुत सारे, मेरे पास भी पत्ता है, देखिए है पत्ता, पत्ता या पत्ती, जब आप उसे बोलते हैं तो आधा ता और पूर्ण ता दोनों का उच्चारण होता है। तो यहाँ मैंने कुछ शब्द बताए आपको, संयुक्त व्यंजन को हमने किस प्रकार उच्चारित किया और किस प्रकार जोड़ा, अरहित व्यंजन बताए, अरहित व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है जिसका उपयोग करने पर वह आधा व्यंजन बन जाता है। स्वर सहित व्यंजन जिसमें आ की मात्रा लगी हुई होती है या उसे उच्चारित करने पर आ का उच्चारण होता है या अ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हुए हमारे संयुक्त व्यंजन और इसके कुछ उदाहरण।